मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिजाइनर पोटली बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पोटली बैग स्टिच किया है। इसको हम इस साइड से स्टेप्स ओपन करेंगे। बैग की खुल के कुछ ऐसा आएगा। इसमें अपना कॉस्मेटिक का सामान है, ज्वेलरी है, कुछ भी आप इस पॉकेट में सेट करते हुए रख सकती हैं। ये हम देखिए कॉस्मेटिक के सामान खोलेंगे और इसको हम इसमें देखिए ऐसे सेट करते हुए सेट करेंगे और लॉक लगाकर इसको लॉक कर देंगे। ये पोटली बैग बहुत ही क्यूट लगती है और बहुत ही यूजफुल है। इसमें अपना कुछ भी सेट करते हुए रख सकती हैं। कभी सफर में जाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बैग्स की हमें जरूरत पड़ती है, ज्वेलरी या कॉस्मेटिक के सामान को रखने के लिए। तो इस बैग को स्टिच करके अपना कुछ भी इसमें सेट करते हुए रख सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी क्यूट सी पोटली बैग पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज हम ये पोटली बैग स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। डिजाइनर पोटली बैग बनाने के लिए हमने ये देखिए 2 प्लेन पीसेस लिए हैं। इसमें हमने देखिए एक प्रिंटेड फैब्रिक का प्लेन पीस लिया है और एक हमने ये प्लेन पीस लिया है इसी से मैचिंग का, और ये हमने 4x8 का 1 प्लेन पीस लिया है। तो पहले हम इन दोनों प्लेन पीसेस को लेंगे और ये प्लेन पीस का राइट साइड है और ये इस प्लेन पीस का राइट साइड। दोनों राइट साइड देखिए एक साइड में ऐसे रखेंगे। दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए पहले हम पिनअप कर देंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है और अब हम देखिए एक साइड से यहाँ पर 3 इंच का देखिए गैप छोड़ते हुए हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम राउंड में स्टिच करते हुए दूसरे वाले पॉइंट तक स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। प्लेन पीसेस को हमने देखिए 3 इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब हम पिन को ओपन कर लेंगे और चारों कॉर्नर्स पे स्टिच लाइन को बचाते हुए हल्का हल्का देखिए ऐसे कट लगा लेंगे। और अब हम इस साइड से इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए पलट कर राइट साइड कर लिया है और अब ये जो ओपन वाला पार्ट है इसको दोनों पार्ट्स को देखिए अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए ऐसे हम सेट कर लेंगे और राउंड में स्टिच करके इसमें दाग सिलाई दे देंगे और ओपन पार्ट को स्टिच करके लॉक कर देंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने देखिए ओपन पार्ट को लॉक कर दिया है और अब हम देखिए इस साइड से यहाँ पर 4 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी 4 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे और इन दोनों मार्क वाले पॉइंट्स को देखिए ऐसे हम मिलाते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। ऐसे हमें देखिए मार्क करना है और ऐसे ही हमें इन तीनों कॉर्नर्स पे भी मार्क करना है। तीनों कॉर्नर्स पे हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब हमने ये जो मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे इस फैब्रिक को देखिए ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे और ऐसे ही हम चारों कॉर्नर्स पे ऐसे टर्न करते हुए पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए फोल्ड करते हुए सेट कर लिया है और अब हम देखिए इस साइड से जिस साइड फोल्ड किया है यहाँ पर देखिए 1/2 इंच पे डाउन करते हुए यहाँ पर हम देखिए ऐसे सीधे मार्क कर लेंगे और ऐसे ही हम इस साइड भी मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच पे देखिए डाउन करते हुए हमने देखिए चारों साइड से मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे ऐसे हम स्टिच कर लेंगे और इसको इस साइड से इसमें अटैच कर देंगे। कॉर्नर्स पे हमने देखिए स्टिच करके फैब्रिक को इसमें अटैच कर लिया है और पिन को हम ओपन कर लेंगे और इस फैब्रिक को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो फोल्ड किया है दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे बराबर में सेट करते हुए हम इस साइड से इस फैब्रिक को अटैच कर देंगे और ऐसे इस साइड भी दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए स्टिच करके दोनों साइडों से अटैच कर देंगे।
दोनों कॉर्नर्स को देखिए मिलाते हुए इस साइड से देखिए अटैच कर दिया है और ऐसे इस साइड भी देखिए अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए इसको ऐसे ओपन करेंगे और इन दोनों कॉर्नर्स को देखिए ऐसे मिलाते हुए इस साइड से स्टिच कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी स्टिच करके हम अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, प्लेन पीस को पलटकर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 1.5x60 का ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हमें फोल्ड करके स्ट्रैप रेडी करनी है। तो इसको हम देखिए सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे प्लेन पीस को, और अब हम एक साइड से फोल्ड करते हुए सेंटर वाले पॉइंट में मिलाते हुए देखिए ऐसे प्रेस कर लेंगे और इस साइड भी फोल्ड करते हुए ऐसे हम देखिए प्रेस करेंगे। अगर आपके पास फैंसी डोरी है तो उसको भी आप इसमें इंसर्ट कर सकती हैं अंदर की साइड में। तो इसको हम प्लेन पीस को देखिए एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच करके इस स्ट्रैप को रेडी कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके इस स्ट्रैप को रेडी कर लिया है। और अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और बराबर में देखिए सेट करते हुए इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। स्ट्रैप को हमने देखिए कट कर लिया है और अब ये हम सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन में इसको हम सेट करेंगे। और इस कॉर्नर से हम देखिए अंदर की साइड में लेते हुए ऐसे हम राउंड में दूसरे वाले कॉर्नर से बाहर की साइड में करेंगे इस स्टेप को, और ऐसे ही इस दूसरी स्टेप को हम इस कॉर्नर से देखिए ऐसे करते हुए दूसरे वाले होल से हम बाहर की साइड में इसमें हम इंसर्ट कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए स्ट्रैप को इसमें सेट कर लिया है। और अब ये हम 4x8 का प्लेन पीस लेंगे और इसको हम देखिए सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे, 8 की साइड में फोल्ड करते हुए पहले प्रेस करेंगे और इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। और इस फैब्रिक को हम देखिए एक साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी सेंटर से ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे हम देखिए प्रेस कर लेंगे। और ये जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप को हम देखिए दोनों स्ट्रैप को बराबर में सेट करेंगे और इसको हम देखिए ऐसे अंदर की साइड में, देखिए ओपन वाला पार्ट अंदर की साइड में अपर की साइड में होगा, और इसको हम देखिए ऐसे सेट करते हुए हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और ऐसे हम स्टिच करके इस साइड से और ऐसे दूसरे प्लेन पीस को हम दूसरी स्ट्रैप में सेट करते हुए इसमें हम अटैच कर देंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए स्ट्रैप को फैब्रिक में देखिए अटैच कर दिया है और देखिए इसको हमें ऐसे सेट करते हुए अटैच करना है। और अब हम इसको देखिए ऐसे टर्न करेंगे और ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हम शेप में ऐसे कट कर लेंगे, इसको राउंड शेप कट करना है हमें। तो हम देखिए कॉर्नर से ऐसे राउंड शेप में इसको ऐसे देखिए कट कर लेंगे। देखिए ये बेल हमारी रेडी हो गई इसमें, और ऐसे ही इस पार्ट को भी हम सेट करेंगे। देखिए पहले इसको ऐसे ओपन करेंगे और इसको हम देखिए ऐसे सेट करते हुए इसको भी हम इस साइड से शेप में कट कर लेंगे। दोनों फैब्रिक्स को हमने देखिए ऐसे शेप में कट कर लिया है और ये बेल देखिए ऐसे सेट हो जाएगी इसमें। और अब हमारी ये डिज़ाइनर पोटली बैग बन के रेडी हो गई है। देखिए इसमें अपना कॉस्मेटिक का सामान है या कुछ भी आप इसमें देखिए ऐसे सेट करते हुए रख सकती हैं। और इस पोटली को देखिए ऐसे यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे स्ट्रैप से। देखिए सामान इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा और इसको आप यहाँ से नॉट लगाते हुए लॉक कर देंगे इस पोटली को। देखिए बहुत ही क्यूट लग रही हो, बहुत ही यूजफुल पोटली बैग है फ्रेंड्स। इसको स्टिच करके आप इसमें कुछ भी अपना सेट करते हुए ऐसे रख सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारी क्यूट सी पोटली बैग पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।